आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में तो मैं सबके लिए एक सॉक्स लेके आई हूँ तो चलिए इसे बनाना किस तरह से सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलाई की सिलाई मैंने दस नंबर ली है ऊल मेरी नॉर्मल है फोर प्लाई और इस सिलाई पे जो मैंने फंदे डाल के रखे छियासठ फंदे यानी सिक्सटी सिक्स फंदे हमने डाल के रखे हुए हैं और यहाँ पर छः धारियाँ बना के कम्प्लीट की हुई है दोनों साइड से उल्टी उल्टी थी एक दो तीन चार पाँच और ये छः छः दूनी बारह लाइनें हमने कम्प्लीट की है अब देखिए किस तरह से करना इन फंदों को तीन हिस्सों में बांटना हमें तो सबसे पहले देखिए यहाँ से इक्कीस फंदे बुन लेंगे पहले उल्टा उल्टा एक फंदा उतार लेते हैं यहां से इक्कीस फंदों को हम यहाँ पे बुनेंगे एक हो गया ये हमारी दूसरी तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और एक इक्कीस एक बार काउंट कर ले रहे हैं एक दो, दस, सूरा, सूरा, एक, एक, इophobia, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस इक्कीस हो गई अब देखिए और इक्कीस फंदे हम इधर भी छोड़ देंगे इधर देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और एक इक्कीस देखिए अब बीच में हमारे पास कितने फंदे रह जाते देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस अब चौबीस फंदों में हम दो फंदों का एक फंदा यहाँ पे करेंगे ये ओके अब यहाँ से फिर देखें बोलेंगे लास्ट में दो का एक कर देंगे यहाँ दो का हमने एक किया हुआ था यहाँ निशान लगा लेते हैं इस तरह से दो गुनाम हमने तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस अब देख लेते हैं इधर कितने बचे हुए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस और एक इक्कीस अब यहाँ पे दो का एक कर देंगे यहाँ पे इस तरह से ठीक है देखिए दो का एक कर दिया दोनों साइड हमारे इक्कीस इक्कीस फंदे रह गए इधर से इक्कीस फंदे और इधर से इक्कीस फंदे यहाँ इक्कीस फंदे पे पियाँ निशान इस तरह से लगा लें आप यहाँ पे ठीक है अब जो हमने यहाँ पे घटाया था इसको छोड़ते हुए जहाँ से हमारे इक्कीस फंदे हैं इक्कीस वाई यहाँ से यहाँ तक देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस और एक इक्कीस इक्कीस पे निशान लगा लेंगे इस तरह से ठीक है अब इधर पलट जाएंगे हम इधर इधर पलटने के बाद देखिए ये फंदा तो हमने दो का एक किया हुआ था तो इस फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे ऐसे उतारना है यहाँ से देखिएगा अब ये जो बीच के फंदे हमारे बच गए हैं किस फंदे इनमें हमारी डिज़ाइन डलेगी तो एक फंदा हमने उतार लिया धागा आगे करेंगे अब यहाँ से हम छः फंदों को उल्टा बनाएंगे एक फंदे को भी काउंट करेंगे तो एक ये हो गई दो तीन चार पाँच छ और ये सात ठीक है इस फंदे को अगर काउंट करते हैं तो सात फंदे हो जाएंगे हमारे अब बीच के हम आठ फंदों को हम सीधा बनाएंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः और सात बीच के आठ फंदे सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ ठीक है आठ फंदे बन गए फिर धागा अपनी ओर करते हुए फिर से यहाँ पे हम छः फंदों को यहाँ पे हम बुनेंगे उल्टा उल्टा और लास्ट का जो फंदा है उसे हम इधर वाले जो इक्कीस फंदों में से एक फंदा लेते हुए घटाएंगे देखिए तो पहले एक फंदा हमने बुना दो तीन चार पाँच छ और ये सातवां फंदा और एक फंदा इधर से लेते हुए हम दो का एक कर देंगे ठीक है तो इस निशान को अभी यहाँ पे हम खोलते हैं इस तरह से दो का एक कर देंगे देखिए इस तरह से दो का एक कर दिया अब इधर पलट जाएंगे हम इधर पलट जाना है आपको पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे ये वाला जो हमने दो का एक किया है इसे उतार लेना है अब इधर जो फंदे हमारे बचे हुए ये जो सातवां फंदा हमारा इधर का छह फंदों में से जो सातवां फंदा है ये और ये इन दो फंदों का एक फंदा करते हुए हम इधर इसको घटाते हुए जाएंगे देखिए अब इधर आ गए अब यहाँ से फिर से इन छह फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे इस फंदे को तारा धागा अपनी ओर करेंगे यहाँ से छह फंदे उल्टे बनाएंगे दो तीन चार पाँच और ये छह। जो छह फंदे हम उल्टे बनाए तो उधर से इधर भी हमें उल्टा ही बनाना है देखिए और इधर से जो हमारे छह फंदे सीधे आए थे इसे भी हम उल्टा बना लेंगे बीच के हमारे आठ फंदे हैं तो आठ फंदों को यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पांच कंफ्यूज। दो चार छ आठ एक फंदा और इसका है हो गया ठीक है इधर के सात फंदे हो गए बीच में देखिए बीच में जो हमारे आठ फंदे थे इसे भी हम उल्टा बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ ये जो आठ फंदे हमारे सीधे तरफ से आव, सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बना लेंगे अब इधर के जो हमारे छः फंदे इसे देखिए हम फिर से हम उल्टा बनाएंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः छः फंदा हमने सीधा बनाया उल्टा बनाया अब देखिए ये वाला सातवां फंदा और एक इधर से फंदा लेंगे हम और दो का एक कर देंगे इस तरह से दो का एक कर दिया हमने अब इधर पलट जाएंगे इस निशान को खोल दें आप समझ में आ जाएगा इसे काउंट करके बुनेंगे तो फिर इधर पलट जाएंगे आप अब धागा अपनी ओर करेंगे पहले एक फंदा उतार लेते इसे अब धागा अपनी ओर कर लेंगे इस तरह से अब यहाँ से फिर से हम छः फंदों को उल्टा बनाएंगे देखिए एक फंदा हमने उतार लिया अब छः फंदों को उल्टा बनाएंगे दो तीन चार पाँच छ और ये सात एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात अब बीच के आपके आठ फंदे आ गए वो आठ फंदों को हमें फिर से सीधा बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ आठ फंदे हमने सीधे बना लिए धागा अपनी और करेंगे यहाँ फिर से अब देखिए छः फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक और लास्ट का फंदे के साथ एक फंदा को हम दो का एक करेंगे यहाँ पे देखिए तीन हो गए चार पाँच ठीक है छः फंदे हमने देखिए बुन लिए अब ये जो सातवा है सातवा फंदा के साथ एक फंदा और लेते हुए हम दो का एक कर देंगे इस तरह से दो का एक कर दिया हमने अब इधर पलट जाएंगे सीधा जाएंगे अब देखिए इस फंदा को हम इस तरह से उतार लेंगे धागा अपनी ओर करेंगे इन छह फंदे को ये वाला फंदा को काउंट करते हुए देखिए हमारे दो यहाँ से सात फंदे को हमने बुन लिया एक दो तीन चार पाँच छः और सात और बीच के जो आठ फंदे इसे भी हम इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ आठ फंदे हमने जो इधर से सीधे थे इसे भी हम उल्टा बना लिए अब बच गए आपके इधर से सात फंदे देखिए फिर से दो चार छः और ये सात छः फंदों को हम उल्टा बनाएंगे सातवां फंदा के साथ इस फंदे को लेते हैं हम दो का एक करेंगे तो यहाँ पे पहले बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छे और ये और ये दो फंदे लेते हुए दो का एक कर देंगे तो इस तरह से लेंगे हम और दो का एक कर देंगे हम दो का एक कर दिया हमने इधर पलट जाएंगे हम करेंगे इस तरह से ये हो गया अब इधर पलट जाएंगे हम अब देखें अब यहाँ पे हमारी सिलाई होगी वो देखिए देखिए यहाँ से काउंट करते हैं तो एक दो तीन चार सिलाई होगी पाँच सिलाई सिलाई पे है अब यहाँ पे हम इन आठ फंदों में ट्विस्ट करेंगे तो किस तरह से फिर से देख लीजिए पहला फंदा उतार लेंगे हम सीधे तरफ से हैं धागा अपनी ओर करेंगे यहाँ पे हम छह फंदों को पहले उल्टा बना लेते हैं इस फंदे को भी काउंट करेंगे तो एक दो हो गई तीन चार पाँच छ और ये सात सात फंदा बुन लिया एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात अब देखिए यहाँ पे बीच में जो सीधे फंदे आपको दिख रहे हैं आठ फंदे हैं जो दो चार छः आठ अब क्या करना है देखिए यहाँ पे हम ट्विस्ट करेंगे फंदों को पहले के जो पीछे के जो चार फंदे हैं आगे लाएंगे हम इस तरह से एक दो तीन चार छोड़ते हुए लास्ट वे ये देखिए ये पांचवा फंदा छठा फंदा सातवां फंदा और आठवां फंदा इसे हम आगे लाएंगे इस तरह से और जो आगे वाले फंदे हैं इसे हम पीछे लेके चले जाएंगे तो सावधानी से या फिर आपके पास जो निडल होती है वो वाली ले लें ले आप इस तरह से ले लिया हमने अब यहाँ से हम इन फंदों को इस सिलाई पे ले लेंगे देखिए और ये वाले फंदे फिर से वापस से हम इस सिलाई पे चढ़ा देंगे और इन फंदों को हम सीधा बना लेंगे पीछे वाले फंदे हमने आगे ले आए और आगे वाले फंदे लेके पीछे चले गए फिर से सारे फंदों को सिलाई पे चढ़ा लेंगे और यहाँ से फिर से हम देखिए इन फंदों को आठ फंदों को सीधा बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच सात और ये आठ आठ फंदे हमने यहाँ पे ट्विस्ट कर लिए धागा अपनी ओर करेंगे यहाँ से छः फंदों को हम उल्टा बनाएंगे. सातवां फंदा के साथ लास्ट का जो इक्कीसवा फंदा था जो हमने इधर इक्कीस फंदे रखे थे इनमें से एक फंदा लेते हुए इधर हम घटाएंगे. तो दो हो गई तीन चार पाँच और ये छः। जो छः फंदे हम दोनों साइड उल्टा उल्टा बना रहे हैं वो हमारे साथ सात फंदे हैं तो एक एक फंदा इसमें इस से लेते हुए हम घटा रहे हैं तो देखिए अब इन दो का एक करेंगे तो धागा उस और करते हुए इन दो का एक कर देंगे हम इस तरह से ठीक है अब देखिए अब इधर आ जाएंगे पहला फंदा उतार लेंगे अब जो फंदा जैसा है उसे हमें इस तरह से बना लेना है अब देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे धागा अपनी ओर करेंगे अब उल्टे साइड से जो फंदे हमारे इधर जैसे दिख रहे हैं उसे हम उसी तरह से बनाएंगे तो एक फंदा हमने उतार लिया ये दूसरा फंदा ये तीसरा ये चार पाँच छ और ये सात सात फंदे हमारे जो उल्टे थे उसे हमने उल्टा बना लिया बीच के देखिए ट्विस्ट के जो फंदे हमारे इधर से सीधे इधर से हमारे उल्टे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम उल्टा बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ ओके आठ फंदे बुन लिए अब यहां से फिर से देखिए छह फंदे हमारे उल्टे आएंगे और लास्ट का जो ये वाला फंदा और इसके साथ दो का एक कर देंगे हम एक दो तीन चार पांच और ये ठीक है अब दो का एक कर देंगे हम इस तरह से दो फंदों का एक फंदा कर दिया हमने इधर पलट जाएंगे सीधी साइड आ जाएंगे अब सीधी साइड कोई भी ट्विस्ट नहीं करेंगे अब यहाँ पे फिर से हम अब यहाँ नौ सिलाई बनाने के बाद हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे ठीक है ये ध्यान रखना है आपको देखिए पहला फंदा उतार लेंगे हम धागा अपनी करेंगे यहाँ से छः फंदों को उल्टा बना लेंगे दो उतारा हुआ फंदा को काउंट करेंगे तो सात हो जाएगी देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात ठीक है अब बीच का जो आठ फंदा है इसे फिर हम इस तरह से बना लेते हैं तो इसी तरह से करते हुए बीच का फंदा जो हम सीधा बना लेंगे दोनों साइड के फंदे जो हमारे हैं इसे हम इधर से सीधे तरफ से थे सात फंदों को इस तरह से उल्टा बना लेंगे एक उतारते हुए छः फंदों को उल्टा बीच के जो आठ फंदे इसे सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ पे छः फंदों को उल्टा बनाएंगे सातवां फंदा के साथ एक फंदा इधर से लेते हुए हम दो का एक कर देंगे ठीक है तो चलिए हम यहाँ से नौ सिलाई कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनेगी यहाँ पे देखिए हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ नौ सिलाई हमारी कंप्लीट हुई अब यहाँ पे फिर से हम ट्विस्ट डालेंगे तो धागा पीछे करेंगे अब इन आठ फंदों में से फिर से हम ट्विस्ट करेंगे देखें पीछे का फंदे को चार फंदों को आगे लाएंगे और आगे वाले फंदे को चार को पीछे लेके चलेंगे तो इस तरह से हम सिलाई डालेंगे एक दो तीन और ये सॉरी ये चार ठीक है ये चार फंदे को हमने आगे इस सिलाई पे ले लेना है और पीछे वाले फंदे को अच्छे से पकड़ना है आपको देखिए अब यहाँ से चार फंदों को हम दूसरे सिलाई पे ले लेंगे जिस सिलाई पे हमारे फंदे थे तो एक दो तीन और ये चौथा फंदा वापस ये फंदे हम इसी सिलाई पे चढ़ा लेंगे इस तरह से एक ही करके सारे फंदों को चढ़ा लेना है आपको लिया हमने इन फंदों को अब देखिए यहाँ पे इन आठ फंदों को फिर सब हम सीधा बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ आठ फंदे हमने यहाँ पे सीधे बना लिए देखिए इस तरह से तो हम यहाँ तीन बार ट्विस्ट करेंगे एक बार हमने ट्विस्ट किया ये दूसरा ट्विस्ट हो गया तीसरा फिर से हम नौ सिलाई बनाने के बाद नौवा सिलाई में हम यहाँ पे ट्विस्ट डालेंगे तो देखिए अब धागा आगे करते हुए यहाँ पर जो हमारे छः फंदे हम उल्टे बना रहे थे उसे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच ये फंदे हमने यहाँ पे देखिए बुन लिए हैं एक दो तीन चार पाँच छ अब इस फंदे को देखिए यहाँ पे हम घटाएंगे तो अब चाहें तो इस फंदे को पहला वाला फंदा को इस तरह से ट्विस्ट भी कर सकते हैं यानी कि इस तरह से इसे लेंगे और इसे पलट लेंगे हम ऐसे अब इसे एक फंदा लेते हैं धागे पीछे कर लेंगे अब इन दो फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से तो यहाँ पे हमारे फंदे घट गए तो चलिए इसी तरह से और नौ लाइनें बना के एक बार और ट्विस्ट करने के बाद आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनेगी ये सॉक्स समझ में आ गई होगी आपको बस ये वाले उल्टे फंदे बनाने बीच वाले फंदे हमारे सीधे रहेंगे और इन जो हमने इक्कीस फंदे इधर रखे थे और इक्कीस फंदे से अब इसी में से एक एक फंदा लेते हुए जो हमने छः फंदे यहाँ पे उल्टे रखे हुए थे सात फंदे तो छः फंदा उल्टा बुनने के बाद सातवें फंदे के साथ एक इधर वाले फंदे को लेके हमें घटाना होता है ठीक है और बीच का जैसे हमारे हैं उसी तरह से इसे बनती हुई जाएगी सीधा है तो सीधा बनेगी जो उल्टा है उसे उल्टा बनाना है आपको तो देखिए यहाँ पे तीन ट्विस्ट हमने बना लिए हैं एक यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा अब आगे साइड ट्विस्ट करते हुए हमने सारे फंदे पीछे से जैसे बुनना था उस तरह से बुन लिए अब आगे आते हुए इन फंदों को जो हमारे सीधे से सीधे बना लेंगे जो उल्टे हैं उसे हम उल्टे बना लेंगे और पीछे साइड से कोई भी फंदा अब हम नहीं घटाएंगे जितनी भी फंदे हमारे रहेंगे सभी को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर डालना शुरू करेंगे कि आगे की बॉर्डर किस तरह से बनेगी ऐसे लिए हमने धागा आगे किया अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः और ये लास्ट का फंदा जो है इसे इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे धागा पीछे ले जाएंगे दो का एक कर देंगे ठीक है यहाँ पे हमारी घट गई तो दोनों साइड कितने फंदे बचे हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इधर देख लेते हैं दो चार छ और आठ हो गया अब कोई भी फंदा हमें नहीं घटाना है अब इधर से सारे फंदों को हम बुनते हुए जाएंगे उल्टा उल्टा, -उल्टा बुनते पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और सीधे तरफ से हम बॉर्डर डालेंगे चलिए कर लेते पहले अब उल्टी साइड से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे हम पूरी सिलाई अब उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे इसे इस तरह से और सीधी साइड से हम दो उल्टे दो सीधे का बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे हम तो चलिए इधर पहले कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको और उस बॉर्डर लाइन को आपको तीन से चार लाइन बनानी है तीन से चार इंच बनानी है देखिए इधर पलट जाएंगे अब हम इधर अब इधर सीधे साइड से देखिए दो फंदा हम पहले सीधा बनाएंगे एक फंदा उतार लेते हैं और एक फंदा सीधा बनाएंगे ये हो गया धागा अपनी ओर करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो धागा पीछे दो फंदे सीधे एक और ये दो तो। अब यहाँ से बॉर्डर लाइन चल रही है कोई भी फंदा घटाना और बढ़ाना नहीं है अब इसी जो हमारे बॉर्डर लाइन को लगभग तीन से चार जितनी भी आपको ऊंचाई चाहिए बचे के पैर के ऊपर लेंथ तक उतना आप यहाँ पे लंबाई इसे बना लें ठीक है तो चलिए यही बॉर्डर लाइन अब कंप्लीट करते हैं फिर आगे मैं दिखाती हूँ कि कैसे ये बनेगी सिलाई किस तरह से होगी दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे उल्टे तरफ से जो जैसी दिखेगी उसे उसी तरह से बनाना है तो देखिए इसकी लंबाई हमने कंप्लीट कर ली हुई है यहाँ से इतना तक यानी कि चार इंच तक मैंने इसकी बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर ली हुई है अब यहाँ पे इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से हम फंदे को बंद करना शुरू करेंगे दो का एक करते हुए उल्टे साइड से सारे फंदों को हम यहाँ पर बंद कर लेंगे दो फंदे एक साथ लेंगे हम यहाँ पर और दो का एक कर देंगे वापस ये फंदा स्लाई पर चढ़ाएँगे फिर एक फंदा और ले लेंगे हम और दो का एक करते हुए यहाँ पे फंदे को बंद कर लेंगे तो इसी तरह से करते हुए सारे फंदों को हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं फिर सिलने का तरीका देखते हैं कि किस तरह से सिलना है हमें चलिए इस तरह से करते हुए सिल लेती हूँ अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे फंदे को बंद कर लिया तो चलिए अब इसे सिलने का तरीका देखते हैं इसे इस तरह से पलटेंगे हम ऐसे पलटना है आपको पलटने के बाद देखिए इस कोने से ये भाग से देखिए इस कोने से लेके हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और फिर ये ऊपर का भाग हम इस तरह से सिलेंगे फिर यहाँ से ऊपर तक जाएंगे हम यहाँ तक सिलेंगे तो चलिए बड़ी सिंपल से सिलाई है तो कर लेते हैं इस तरह से हमने ले लिया अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ नीचे भाग सिल लेते हैं ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे तो आप उसमें एक दूसरे से चेन को चेन मिलाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे और ये सॉक्स आपको एक साल से लेके आपको ये दो ढाई साल के बेबी तक आ जाएगी ये सॉक्स क्योंकि ये सॉक्स बहुत फैलती है और मैंने थोड़ी सी इसकी बुनाई जो है लूज़ की हुई है सबकी अपनी अपनी बुनाई होती है देखिए और इसमें ऊन भी बहुत थोड़ी सी लगी हुई है मैं बता दूंगी कि इसमें ऊन कितनी ग्राम लगी हुई है तो चलिए इस तरह से करते हैं हम यहाँ से इसकी यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं पहले हम तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली और एड़ी से लेके पूरे ऊपर तक हमने इसकी सिलाई कर ली अभी से हम सीधा करेंगे इस तरह से तो सीधा करने के बाद देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बन के आई हमारी ये आगे इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी हमारी आगे ये रहेगी और चाहे तो आप ये पूरा पैर में इस तरह से रखें या फिर इस तरह से फोल्ड भी कर सकती हैं इसे फोल्ड करने के बाद भी ये बहुत खूबसूरत लगेगी देखिए तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ थैंक यू